Hello students, we are going to analyze JEE Main's paper of January module which is to be conducted between 6th and 12th of January. Paper jo is baar hamare paas aa rahe hain, they cover whole syllabus of 11th and 12th. NCERT based questions aa rahe hain, questions mein koi zyada difficulty level nahi hai. Questions jo hamare paas aa rahe hain simple basic formula based hain. Agar main aapse kahun ki aapko basic theory puri आती है तो आप क्वेश्चंस बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. जो हमारे पास पैटर्न है पेपर का वो तो अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ नियरली 5 to 6 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के हर पेपर में आ रहे हैं और 6 to 7 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आ रहे हैं. मतलब 50% पेपर इज़ फ्रॉम मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. बाकी ऑप्टिक्स से 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉडर्न से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स 2-3 क्वेश्चन कवर कर रहा है. एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जो पेपर है हमारा वो थोड़ा सा मॉडरेट सा है. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है, पेपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आ रहा है, आपको फॉर्मूले आते हैं और आप उन फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हैं, तो बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं. अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है एंड दैट ब्लॉक इज़ रोटेटेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ ए स्प्रिंग, तो ब्लॉक स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है. सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फोर्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. आप अगर थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम लगा दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें वहाँ पर उसने थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी तक बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते थे लेकिन इस बार थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है. सेम वे ऑप्टिक्स में हम बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं. मतलब अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रोटेशन से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. रोटेशन बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन उसने रोटेशन के डाले हैं, एक एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का डाला है या कोलिजन का डाला है. तो अगर हम देखें तो पेपर का लेवल हमारा बहुत आसान सा है और हमारे पास अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें, जो 5 क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव बेस के आ रहे हैं वो 5 क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन दिख रहे हैं फिजिक्स के पेपर में, क्योंकि उनके आंसर्स बहुत आसानी से विदाउट एनी मतलब कैलकुलेशन के आसानी से आ रहे हैं. मतलब उन क्वेश्चंस को तो आप अगर 5 अभी जो 6 पेपर हुए उनको एनालाइज करो तो 6 के 6 पेपर में एक क्वेश्चन तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का आ रहा है. वो सीधे सीधे आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको रिजल्ट देके जाएगा, कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं हो रही है. तो सबसे पहले तो बच्चे को क्या करना चाहिए, जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कर ले 5 को. उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, वो टाइमली सॉल्व हो जा रहा है. इसी तरीके से पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा क्वेश्चन करने में, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम देना पड़ता है और ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दिख रहे हैं. मतलब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग रिजल्ट. लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन भी टफ है, मॉडरेटली मतलब ये है कि करने पड़ रहे हैं. बाकी मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने का कहीं नहीं पड़ रहे हैं, एक आधा सवाल जरूर है जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, वो सिंपल से हैं, वो क्लास में हर किसी बच्चे ने करे होते हैं अगर प्रॉपरली देखा जाए. तो पेपर एज सच अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो अगर 25 क्वेश्चन हमारे पास है, 25 में से 10 क्वेश्चन आर वेरी ईजी, 5 क्वेश्चन आप मान लो कि आपके पास डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, जिनको हम डिफ़िकल्ट ना कहें मॉडरेट कहें, 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से. अभी तक हमारे पास पिछले सालों तक 30 क्वेश्चंस आते थे, इस बार हमारे पास 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय भी हमारे पास बच रहा है क्योंकि जो 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं दे डोंट टेक मच ऑफ द टाइम. मतलब ये 5 क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा 6 या 7 मिनट में अटैम्प्ट कर लोगे, तो 6 या 7 मिनट में अगर हम ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 50 मिनट्स बचते हैं 20 क्वेश्चन के लिए. तो दैट इज़ मोर देन इनफ कि 50 मिनट में हम 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और उनमें से भी हमें 5 क्वेश्चन ये हैं जिनको हमें लेटर ऑन टैकल करना है. ये 10 क्वेश्चन भी आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे, जो मतलब अगर आप पेपर को प्रॉपर देखो पूरा का पूरा तो 10 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहे हैं जो बहुत आसान से हैं और ये 10 क्वेश्चंस बिल्कुल बगैर कैलकुलेशन के हो रहे हैं. सिंपल फार्मूला पुट करो आप, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो 10 और 5 15 क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जा रहे हैं, आपके पास बच रहे हैं सिर्फ
10 क्वेश्चन जिनके लिए आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। जो अगर हम बात करें कि कट ऑफ हमारी क्या जाएगी, कट ऑफ अगर हम बात करें विल बी 90% के अराउंड, जो हमें जे मेन से जे एडवांस के लिए जाने के चाहिए। ठीक है, 90% अगर हमारी कट मतलब हमारे पे 90% आते हैं तो वी आर मोस्टली एलिजिबल फॉर जे एडवांस। अब जो हमें NIT या किसी IIIT में एडमिशन के लिए चाहिए, अच्छे पुराने NIT या अच्छे IIIT में एडमिशन के लिए चाहिए, तो दैट वुड बी कि हमें कम से कम 98% एंड अबव चाहिए। अगर 98% एंड अबव हमारे पास है तो हम सोच सकते हैं कि हमें किसी NIT या IIIT में एडमिशन मिल सकता है। और बड़ा आसान सा है, अगर आप पेपर में फिजिक्स के पेपर में अगर हम 100 में से मान ले कि हमारे नंबर 70 आ रहे हैं या 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं, देन वी विल क्रॉस दिस बैरियर ऑफ 98% या 99%। तो 60 या 70 नंबर पे हमारा 98 या 99% का बैरियर क्रॉस होता है। और पेपर आसानी से अगर बच्चे ने थोरो स्टडी करी है, सिंपल वे में पूरी थ्योरी अच्छे से जानता है, तो ही कैन ईजिली स्कोर 60-70 मार्क्स। और 80-90 नंबर भी आसानी से आ सकते हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों के 99 आएंगे वो मोस्टली 90 या 80 के बीच में स्कोर करेंगे। हमारे पास एक YDSE एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर प्रोड्यूसेस 15 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। मतलब स्क्रीन के कुछ हिस्से में हमारे पास इस वेवलेंथ की लाइट के 15 फ्रिंजेस बनते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कि अगर हमारे पास वेवलेंथ लेमडा 2 है, देन इन सेम सेगमेंट टेन फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। बहुत इजी सा सवाल है कि उसी उतने ही सेगमेंट में 10 फ्रिंजेस बन रहे हैं लेमडा 2 के और 15 सेगमेंट बन रहे हैं लेमडा 1 के। तो फ्रिंज विड्थ इज लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर हम सेगमेंट की लेंथ एल मान लें, कितनी मान लें एल, तो 15 टाइम्स बीटा 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स बीटा 2, क्योंकि लेमडा 1 वाले की फ्रिंज विड्थ कितनी बीटा 1 और लेमडा 2 वाले की कितनी बीटा 2। उतने ही सेगमेंट में इसके 15 फ्रिंजेस बन रहे हैं इतनी विड्थ के और इसके कितने बन रहे हैं 10 बन रहे। हमसे पूछा क्या गया लेमडा 2, सिंपल कहानी है 15 लेमडा 1 इज व्हाट 500 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 10 लेमडा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कट गया अपना, ये इससे कट गया, तो लेमडा 2 कम्स आउट टू बी 15 5 जा कितना 750 नैनोमीटर्स। दिस इज द रिजल्ट, सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसी दे रखी हमें, यूनिफॉर्म दे रखी। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एच अपॉन पी, पी इज व्हाट मोमेंटम, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टाइम विल बी ई अपॉन एम इनटू व्हाट टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था तो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी ई अपॉन एम, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, तो लेमडा हमारे पास आ गया एच अपॉन एम ई टी अपॉन एम, एम से एम कट जाएगा, ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
So differentiating it, d lambda by dt is equal to minus h upon ee into what, t square. अब अपने options देख लें. हमारे पास options क्या हैं? पहला option है rate of change of de Broglie wavelength. पहला option है h upon 2e, जो कि गलत हो जाता है. दूसरा है h upon 2e t, वो भी गलत हो जाता है. तीसरा है h upon e capital e t square. तो ये correct answer हमारा. अब जैसे अगला question हमारे पास क्या है? Particle starts from origin with velocity u is equal to 3i cap. Acceleration of particle is 6i cap plus 4j cap. ये acceleration दे दिया गया. अब वो क्या कह रहा है? X coordinate बता दो particle का किसी समय पे, जब y coordinate कितना है? 32 meters है. Simple सा question है. Y is equal to half a y into what, t square. Y की value 32, half into a y is 4 into what, t square. ये 2 और ये 16, तो t is equal to 4. टाइम 4 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट 32 है. तो अब अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, x is equal to ux t plus half ax into what, t square. तो x is equal to 3 into 4 plus half into 6 into what, 16. X 3 4 जा 12, 16 3 जा 48, 48 plus 12 कितना, 60 meters. X coordinate क्या आ गया? 60 आ गया.